I want to send a message to the Prime Minister Shehbaz Sharif that please open the opportunities for the students who are illiterate and cannot afford their expenses. Who are illiterate, they cannot spend their expenses. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माल रोड नक्की हत्ते के एरिया में। हमारे साथ एक रेडी लगाने वाला नौजवान मौजूद है जिसकी तलीम है FSC, और ये जो है इधर पकौड़े भी बेच रहा है और समोसे भी बेच रहा है, रोल पट्टी वगैरह बेच रहा है। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको आखिर क्या मजबूरी पड़ गई रेडी लगाने की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका नाम? जी मोहम्मद तैयब मोहम्मद तैयब भाई, क्या कर रहे हैं? जी। फ़िलहाल जो घरेलू हालात हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये वक्ती तौर पे मैंने संभाला हुआ है। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह मैंने अपनी जो SCV वगैरह बनवा ली है, उसके बाद इंशाल्लाह मंडे या 2-3 दिन के बाद जो है ना मैं अपना जो है मतलब सेटल हो जाऊंगा कहीं गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कॉल सेंटर पे। उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ये खैर बात, जो बड़ा दूसरा भाई था वो भी पहले इधर ही होता था, तो वो क्या करता था? वो भी इधर यही करता था, मतलब उसकी भी तालीम अच्छी थी। उसकी जनाब जी क्या कंप्यूटर साइंस ही BSCS, तो वो अब उधर लग गया। उसके बाद अब मेरी बारी है, इंशाल्लाह मैं भी 2-3 दिनों के बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, तो कौन से इंशाल्लाह इधर इलाके से ये बिलोंग करते हैं? मेरा ताल्लुक़ ज़िला जंग से है जिला जंग से है। जी। कितने अरसे से ये लगा रहे हो रेडी? मुझे 2 माह का अरसा हो गया है, इससे दो पहले दो था माह का अरसा हो जी, गया। मुझे 2 माह हो गए आपने कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं किया जॉब? जी, किया था लेकिन बस क्या कहते हैं फिर यहाँ पैसा चलता है, जिसकी लाठी उसके भैंस वही वाले हालात हैं आपने क्या क्या लगाया हुआ है? जी। इस वक्त मेरे पास चिकन कबाब रोल है, समोसे नाजिर हैं, आपको बर्गर। दिखाते हैं, ये देखें, ये बड़े बड़े मज़े मज़े के, ये क्या भाई? नगेट्स है ये सर नगेट्स है, और ये बंदे ने जो है, लड़के ने, क्या नाम था ना, मोहम्मद मोहम्मद तैयब। तैयब भाई ने, ये देखें, ये नगेट्स वगैरह समोसे रोल पट्टी वगैरह बेच रहे हैं। तो कितने बहन भाई हैं, जी हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं कैसे गुसर बसर चल रहा है? जी। वालिद साहब जो हैं वो फसलों को स्प्रे वगैरह करते हैं उस तरह, तो अब उनका काम स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह। उसके बाद जो भाई वगैरह हैं उनकी शादी हो गई है, वो सेपरेट है ये खा लूँ मैं, जी। खा लें? ऐसे तो नहीं मांगूंगी। नहीं सर कोई बात नहीं चले बोले। जी। अच्छा, यहाँ पे आपको कितना अरसा हो गया माल लोड के इलाके में? मुझे 2 माह का अरसा हो गया सर 2 माह हो गए, जी। काफी पैसे लग गए होंगे हाँ जी, काफ़ी सारे पढ़ाई में। इसमें जी पढ़ाई में भी काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके हैं वालदैन के। अब वक्त आ गया कि अब उनको जो है उनकी इन्वेस्टमेंट मुझ पे हुआ है, अब उनको रिटर्न किया जाए सोच अच्छी आपकी। आपका जी। जो भाई था वो कौन से दायरे में गया? वो भी कॉल सेंटर में है, IBEX में। ये कोई सरकारी जॉब तो नहीं है? ये प्राइवेट है सर। इसके बाद वो मतलब कंप्यूटर साइंस उसकी है ना, तो मतलब और कुछ थोड़ा बहुत सीख के स्टडी करके, मतलब बेसिकली तो वो आया था स्टडी के लिए, मज़ीद आगे पढ़ने के, मतलब ये पार्ट टाइम है उसका, मेरा भी पार्ट टाइम है, मैं भी कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँगा अच्छा एक बात बताएं तैयब भाई, जी। ये जो आप लगा रहे हैं रेडी वगैरह, जी सर। शर्म वगैरह तो नहीं महसूस करते हैं? नहीं शर्म वगैरह महसूस करते रहें तो फिर क्या, फिर तो हालात मेंटेन नहीं होंगे। माल लोड है यहाँ पे, लेडीज भी आती हैं जेंट्स भी आते हैं, आपसे पूछते तो होंगे, जी सर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि भाई आपने कोई और काम वगैरह नहीं ढूंढा हुआ, तो फिर उन्हें बताते हैं कि सर पढ़े लिखे हैं, अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम कहीं चले जाएंगे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब। आपकी जो CV है वो आपके पास मौजूद है? जी सर वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो हॉस्टल में है हॉस्टल में है। जी। कौन से अदारे में काम करना चाह रहे हो? आपकी कौन क्या ख्वाहिश है? कौन सा अदारा अच्छा लगता है आपको? सर मैं इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकता हूँ, तो मतलब कोई ऐसा इदारा जहाँ पे इंग्लिश वो जो है इंग्लिश बोलने वालों की जो है अहमियत है, मैं वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ कितनी इंग्लिश बोलनी आती है? जी। ज़बरदस्त थोड़ी सी हमें बताएंगे, गवर्नमेंट को जरा इंग्लिश में बोलें, कोई हुकूमत पाकिस्तान को मैसेज दें इंग्लिश में। सर, आई वांट टू सेंड द मैसेज टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दैट प्लीज़ ओपन द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इलिटरेट एंड कैन नॉट अफोर्ड देयर एक्सपेंसेस। हु आर इलिटरेट, दे कैन नॉट स्पेंड देयर एक्सपेंसेस।
आपका मैसेज अच्छा है जी। हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, आला काम तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कौन सा अदारा आपने जो है चूज़ किया हुआ है फिलहाल? तो कौन सी नौकरी पसंद करेंगे करना गवर्नमेंट की? फिलहाल नो आइडिया सर। नहीं, फिर भी टेल मी प्लीज़ के मतलब व्हाट यू लाइक जी। तो कौन सी नौकरी करना पसंद करेंगे गवर्नमेंट की? जी सर, मैं एयरफोर्स में जाना पसंद करता हूँ। एयरफोर्स में? जी सर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है? जी सर, मुश्किल तो होता है शुरू में, लेकिन जब मेहनत करता है आदमी तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, फिर सब आसान हो जाता है। आपकी शादी तो नहीं हुई भी? जी नहीं सर, अभी नहीं हुई। कुल कितनी फैमिली है आपकी? जी हम चार भाई हैं और दो बहनें हैं, और पेरेंट्स भी हैं फिर। माँ बाप भी है? जी सर। आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं? वालिद साहब का मेहनत मजदूरी करते हैं। कौन सी मेहनत मजदूरी? फसलों को स्प्रे करते हैं। इलाका कौन सा बताया? ज़िला जंग। ज़िला जंग जी। लाहौर में आए हुए कितना अरसा? मुझे 2 माह हुए हैं। 2 माह हुए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम शुरू किया है? जी सर, यही स्टार्ट किया। और आगे आपकी जो ख्वाहिश है कि कोई गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए जी, तो सीवी वगैरह जमा करवाई किसी इदारे में? जी अनकरीब जमा करवाने वाला हूँ मैं अभी। आज भाई को मैंने बोला था, उसने कहा था ठीक है आज बन जाएगी, आप फ्री हो के आ जाना। कितने बजे? रात 11 बजे। गुजर बसर कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो जाती है, और घर वालों को कितने पैसे भेज देते हो पर मंथ? गुजर बसर बस वही हैंड टू माउथ वाला ही है बस, हिसाब के जो कमा लिया वो जो कमा लिया वो खा लिया, कुछ घर में भेज दिए थोड़े बहुत। फिलहाल तो अभी हॉस्टल वगैरह के जो किराए हैं और अपने जो अखराज आते हैं वो आने जाने का खर्चा, और वही मेंटेन हो रहे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती उसके लिए आपका क्या इकदाम? गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो फिर सरकारी जो इदारे हैं फिर उनका कोई फ़ायदा तो नहीं है इतनी पढ़ाई लिखाई का। सर ये पाकिस्तान है, बड़े ग्रेजुएटेड लोग इधर फ्री घूम रहे हैं और फ्री फिर रहे हैं, जॉब का कोई चक्कर नहीं है। सर अब कुछ भी क्या कह सकते हैं, बस हालात ऐसे हैं, जो जिनके पास पैसे होते हैं वो तो जो हैं लग जाते हैं, कहीं नहीं गरीब आदमी चक्की में पिसता रहता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती फिल फोर, तो इरादा क्या है कि यही काम करना है? इरादा तो नहीं, मैं अब कॉल सेंटर में प्राइवेट जॉब के लिए जाने लगा हूँ। मंडल कितनी सैलरी है वहाँ? 30K बेसिक है, उसके बाद कमीशन भी है। अच्छा, कॉल सेंटर पे फिल फोर, अभी आप कॉल सेंटर पे जो है जॉब करेंगे? हाँ जी, ये कॉल सेंटर पे जाना चाहता हूँ फिलहाल। वैसे मेरी तो आपको बरादराना तौर पर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि माँ बाप की दुआएं अगर आपके साथ है तो फिर आपके लिए मंजिलें भी आसान है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ख्याल है जी? वालदैन भी मेरे दुआएं करते हैं और इंशाल्लाह उनकी दुआएं और मेरी मेहनत रंग ले आएगी, बस उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। ओके सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान से आपके बारे में बताएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये नौजवान लड़का तैयब रेडी लगाने पर मजबूर है, कोई सुनवाई नहीं है, और तालीम अगर आप पूछते हैं तो FSC तालीम है इस लड़के की। इसका कहना यही है कि मेरा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, 2 माह हुए मुझे लाहौर में आए हुए, तो यहाँ पे आके मैं रेडी भी लगा रहा हूँ और आगे मेरे पास CV भी मौजूद है और मैंने अप्लाई भी किया है कॉल सेंटर पे, उधर तकरीबन 30+ जो है सैलरी है। अगर मुझे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती तो मैं फिल फोर कॉल सेंटर पे नौकरी करूँगा, जॉब करूँगा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप बहन भाइयों का पेट भी पालना है, सारी ज़िंदगी मैंने रेडी तो लगानी रही है। तो हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से है कि खुदारा इस तरह के जो ग्रेजुएटेड यंगस्टर लड़के हैं इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान किया जाए और इनको फिल फोर जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट की नौकरी जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, ताकि ये अपना रोज़गार कमा सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही कैमरामैन शहजाद के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। D7 न्यूज़ देखना ना भूलिएगा, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।